साथियों, एट्रोसिटी एक्ट को मजबूत करने के लिए जिला में जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, डीएम होते हैं, उनका कर्तव्य क्या है? जब ये लोकसभा में ये बिल पारित कर गया किया गया था, उससे वक्त ये डिबेट हुआ था। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का लोग कमजोर होते हैं, कमजोर श्रेणी का लोगों को न्याय दिलाने के लिए चारों तरफ शासन और प्रशासन का मदद बहुत जरूरी है। इसीलिए उस पार्लियामेंट सभा में ये भी डिबेट हुआ था, जिला पाल को यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम साहब को रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाए। जैसे डीएसपी लेवल ऑफिसर को रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है, वैसे ही अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों को मदद करने के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है। वो 4-2 में आता है। 4-2 क्या बताता है? अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कानून विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करने हेतु अधिवक्ताओं का पैनल तैयार करना पड़ता है कलेक्टर को। जो अधिवक्ता का पैनल तैयार करेगा, उसी वक्त उन्हें ये सोचना होगा वहां शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एडवोकेट को ज्यादा प्रायोरिटी देना पड़ेगा, क्योंकि जब भी एट्रोसिटी होता है, सवर्ण जाति का एडवोकेट केस को सही से परवेई नहीं करेगा, उनको प्रॉपरली प्रॉपरली डिफेंड नहीं करेगा, डिफेंस नहीं करेगा, या उनके लिए वो सही से कोर्ट में परिचालन नहीं करेगा केस। इसलिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति व्यक्ति कोई भी अधिवक्ता को उस पैनल में रखना बहुत जरूरी है। और जिलापाल और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इसके बारे में पूरा डीपली सोचकर ये पैनल को तैयार करना उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लोक अभियोजक के कार्य का पुनर्वलोकन करना होगा और उनका रिपोर्ट वक्त वक्त पर लेना होगा। जो भी एडवोकेट नियुक्त किया जाता है, जो पैनल उसके लिए काम करता है, वो पैनल का काम कैसे चल रहा है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का एट्रोसिटी को रोकने के लिए ये लोग क्या कर रहे हैं, मतलब वक्त वक्त पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इस अधिनियम के तहत लोगों को सुरक्षा के लिए, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का सुरक्षा के लिए जो विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया जाता है, लोक अभियोजक का कार्य क्या है, वो कैसे कर रहा है, वो सही से कर रहा है ना नहीं, उनको टाइम टू टाइम रिव्यू करना, रिपोर्ट मांगना और राज्य सरकार को ये रिपोर्ट देना, ये कलेक्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है। क्या आपके इलाका में ऐसा हो रहा है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एट्रोसिटी के बारे में हर महीना हर दिन सरकार स्टेट गवर्नमेंट को या गवर्नर को रिपोर्ट दे रहा है या नहीं दे रहा है, ये कौन पूछे, कौन इनके बारे में कौन जानेगा? जानने के लिए हम लोगों को ही कोशिश करना होगा। इसलिए आपका इलाके में कोई भी अधिवक्ता है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का अधिवक्ता है, उनका साथ एक ग्रुप बनाकर आप लोग यूनाइटेड होके ये सब काम को आप लोग को देखना होगा। नहीं तो हर साल ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आते हैं, एट्रोसिटी होता है, एट्रोसिटी के बारे में वो कभी भी जानकारी नहीं रखता या स्टेट गवर्नमेंट को सही से रिपोर्ट नहीं भेजता, एट्रोसिटी हो जाता है लेकिन एट्रोसिटी केस दर्ज नहीं होता, कभी भी एफआईआर एट्रोसिटी का नाम पर नहीं होता है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का एग्नेस्ट जब क्रिमिनल एफआईआर कोई भी क्राइम करता है तो सिर्फ एक क्रिमिनल एफआईआर होता है, मैंने देखा बहुत जगह पर। इसीलिए हमारा बहुजन समाज का लोगों को इसके बारे में कम से कम ट्रेनिंग देना चाहिए, सतर्क होना चाहिए। जब भी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को अन्याय होता है, औरत या बच्चा या बच्ची या लड़की या लड़का या मर्द या बूढ़ा जो भी होना, क्यों आपको पता चल गया तो आपका एक कमिटी होना चाहिए और आप लोग पुलिस का काम के बारे में पूछना चाहिए, जानकर रखना चाहिए। जिला का मजिस्ट्रेट इसके लिए क्या कर क्या क्या कर रहा है, वो रिपोर्ट ले रहा है और फिर उनका रिपोर्ट सही से वो मांग रहा है ना नहीं, रिपोर्ट का जानकारी रख रहा है ना नहीं, ये सब काम कौन करेगा? ये सब काम कलेक्टर करता है। जब कलेक्टर करता है तो इनको भी तदारक करने के लिए कॉन्शियस सिटीजन का बहुत आवश्यकता है। अधिनियम के अंतर्गत दर्ज किए गए मामले की तिथि को मासिक रिपोर्ट अभियोजक और
निर्देशक को भेजना, वो नियम 4(1)(क) में लिखा गया है। मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हर महीना जो अभियोजक नियुक्त किया गया है, मंथली रिपोर्ट क्या है और वो रिपोर्ट कैसे है, ये सब डायरेक्टर को, स्टेट डायरेक्टर को रिपोर्ट देना है। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल का कास्ट कम्युनिटी का एक डायरेक्टर होता है, स्टेट निर्देशक होता है, उनको भेजना है। और ये नियम अधिनियम एट्रोसिटी अधिनियम का 4(क) में लिखा गया है। जब कलेक्टर ऐसा नहीं कर रहा है तो सोचिए उनका पावर को वो मिसयूज कर रहा है, सर्विस कोड को वो वायोलेट कर रहा है। तो हम कलेक्टर के खिलाफ भी जा सकते हैं, क्योंकि कलेक्टर एक लोक सेवक श्रेणी में आते हैं जो आईपीसी के धारा 20 में कहता है, और हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्शन 308, 309 और 311 के साथ साथ स्टेट डिफाइन करता है 12 के तहत। इसलिए उनका काम उनको सही से करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि कलेक्टर भी लोगों का टैक्स से उनका तनख्वाह होता है, इसीलिए वो भी लोक सेवक है, उनका रिस्पांसिबिलिटी बनता है। यूनियन सर्विस कोड उनका उनके लिए लागू होता है। हर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट को सर्विस कोड को पालन करना हर व्यक्ति का रिस्पांसिबिलिटी होता है। अधिकार को लागू करना है और उदारावलोकन करना है, निरीक्षण करना है, मासिक रिपोर्ट मांगना है, मासिक रिपोर्ट भेजना है, ये सब काम जिला मजिस्ट्रेट डीएम का होता है। डीएम हर वक्त एडवोकेट का साथ और एडवोकेट जनरल का साथ और राज्य सरकार का साथ उनका कंटेक्ट रहता है और वो रिपोर्ट हर महीना भेजना उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है। जब वो ऐसा नहीं करता तो सोचिए एट्रोसिटी एक्ट कमजोर बन जाता है। एट्रोसिटी एक्ट को मजबूत करने के लिए कलेक्टर को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ये भी होता है, विशिष्ट जस्ट माने सीनियर अधिवक्ता को कोर्ट में नियोजित करना है। जो अधिवक्ता होता है, जो सीनियर एडवोकेट होता है, कम से कम उनका एडवोकेसी में 10 ईयर एक्सपीरियंस रहना चाहिए। कम से कम उनका 10 ईयर एक्सपीरियंस हो जाने से एक सीनियर एडवोकेट को स्पेशल कोर्ट में अपॉइंटमेंट करना और यूज करना उनका और केस को देखरेख करने के लिए अपॉइंटमेंट वो करता है और हर महीना उनका साथ बात करता है और वो रिपोर्ट लेता है। अपराध की सूचना और घटना कैसे हुआ, अपराध की सूचना कलेक्टर को लेना पड़ता है और जब अपराध का सूचना उन्हें मिलता है, मिलते ही कलेक्टर को घटना स्थल पर जाना जरूरी है। और अत्याचार किसको हुआ, उनका जीवन का स्तर क्या है, उनका क्या हानि हुआ, जीवन हानि हुआ या संपदा हानि हुआ या और क्या नुकसान हुआ, ये सब सीमा निर्धारण करता है कलेक्टर। करने के बाद वो राज्य सरकार को रिपोर्ट तुरंत भेजना पड़ता है। रिपोर्ट प्रस्तुत करके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तुरंत वो राज्य सरकार को भेजता है, उनका वो जिम्मेदारी है। इसलिए वो उपखंड मजिस्ट्रेट या अन्य एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को या कोई भी पुलिस अधिकारी को या और कोई अधिकारी का सीनियर रैंक का अधिकारी को भी ऐसा करने के लिए वो ऑर्डर दे सकता है। क्या आपका इलाके में जब भी कोई एट्रोसिटी एक्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वहां जा रहे हैं? जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं है तो कोई सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या कोई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट वहां पहुंचना बहुत जरूरी है। एट्रोसिटी स्थल पर जब ऐसा ऑफिसर नहीं जा रहे हैं तो सोचिए यहाँ नेग्लिजेंसी ऑफ द ड्यूटी हो रहा है। तो आपका इलाके में RTI के द्वारा आप मांग सकते हैं, आप डाटा मांग सकते हैं, फलाना महीना में कितना एट्रोसिटी हुआ, एट्रोसिटी में आप क्या स्टेप लिए हैं। जब थोड़ा सा भी हम ऐसा मेहनत कर देंगे तो शासन प्रशासन अपना काम सही से करेंगे।
डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का काम है पुलिस को वो आदेश देगा। क्या आदेश देगा? एट्रोसिटी केस को सही से छानबीन करने के लिए, एट्रोसिटी आदेश को, एट्रोसिटी केस को सही से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आदेश देने की अधिकार होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। जब पीड़िता का गवाह लिया जाता है या पीड़िता के बारे में कोई भी विटनेस आता है, उसके प्रति सहानुभूति रखना और उनको सुरक्षा प्रदान करना और उनको जितना हो सके मदद करना, ये कलेक्टर जी का प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी होता है। यानी एट्रोसिटी होते ही डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कितना चौकन्ना होना है, कितना काम करना है, आप लोग सोचिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। कुछ जगह पर अच्छा कलेक्टर, अच्छा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फटाफट तुरंत एक्शन लेते हैं, बाकी एट्रोसिटी के बारे में उन्हें खबर ही नहीं मिलता और राज्य सरकार को महीना खत्म होते ही रिपोर्ट जीरो दे देते हैं। कलेक्टर का यह भी रिस्पांसिबिलिटी होता है एट्रोसिटी केस में पीड़िता होने वाले पीड़िता व्यक्ति को तुरंत राहत प्रदान करना, क्योंकि कभी भी कोई अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को एट्रोसिटी होता है तो उनका फैमिली पर ज्यादा असर होता है, उनका सोशल डिग्निटी खत्म होता है, उनका जीने की संसाधन खत्म हो जाता है, वो बाहर निकल नहीं पाता। एट्रोसिटी ऐसा एक बीमारी है इंसान को इक्वालिटी से जीने नहीं देता, इंसान को डिग्निटी का साथ जीने नहीं देता। मतलब आप सोचिए, जब भी कोई सिटीजन को एट्रोसिटी होता है, अनुसूचित जनजाति को एट्रोसिटी होता है, तो उनका फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार खत्म हो जाता है, राइट टू लाइफ खत्म होता है, आर्टिकल 17 खत्म होता है, अबोलिशन ऑफ द अनटचेबिलिटी, राइट टू इक्वालिटी खत्म हो जाता है जो आर्टिकल 14 के तहत, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म हो जाता है आर्टिकल 19 के तहत, राइट टू अपॉर्चुनिटी भी खत्म हो जाता है। क्योंकि सवर्ण लोग एट्रोसिटी जब करते हैं तो बहुत खतरनाक ढंग से एट्रोसिटी करते हैं, उन्हें सोशल बायकॉट कर देते हैं, उन्हें पानी छूने नहीं देते हैं, उन्हें कोई भी मदद नहीं करता। ये सब जब होता है तो कलेक्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है पीड़िता को सुरक्षा देना तुरंत, वो भी इमीडिएट उन्हें प्रोटेक्शन देना, ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है। क्या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऐसा कर रहा है आपका जिला में? जब नहीं कर रहा है तो तुरंत कलम उठाइए, अपने मोबाइल उठाइए और आप उनका खिलाफ भी केस करने की हिम्मत रखते हैं। एट्रोसिटी एक मामूली एक्ट नहीं है, ये एक्ट बहुत खतरनाक है, क्योंकि एट्रोसिटी समाज का एक कैंसर है, ये कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक है। प्राइमरी स्टेज में आपको पता चलता है तो कैंसर भी इलाज है, लेकिन एट्रोसिटी इलाज नहीं है, एट्रोसिटी का इलाज नहीं है, एक परिवार को फिनिश कर देता है, एक व्यक्ति का डिग्निटी को फिनिश कर देता है, एक सिटीजन का टोटल फंडामेंटल राइट को डिग्रेडेशन कर देता है, उनका जीना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जिलापाल और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है उन्हें तुरंत सुरक्षा प्रदान करना। ये भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का बनता है वहां घटनास्थल पर यात्रा करना है, उनको उनका भत्ता प्रदान करना है, उनका भरण पोषण करना है, उनका परिवहन सुविधा करना है, जब तक उनका केस चलता है उनको प्रोटेक्शन देना है, उनको जीने के लिए जो राशि है वो प्रदान करना है। ये जिला मजिस्ट्रेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है। इसीलिए लोकसभा में, पार्लियामेंट में एक कानून बनाया गया था, ये कानून अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल राइट को सुरक्षा देने के लिए ये बनाया गया था। जिला मजिस्ट्रेट को ये भी आवश्यकता है
प्रशासनिक और अन्य सुविधा जितना होता है प्रशासनिक कानून के अनुसार जरूरी लगे तो 7 दिन में, 7 दिन तक, कम से कम 7 दिन तक जरूरी लगे तो 7 दिन तक पीड़िता व्यक्ति का परिवार को राशन, भोजन, जल, कपड़ा, आश्रय स्थल, चिकित्सा और परिवहन सुविधा, अन्य आवश्यक नगद या वस्तु रूप से इनको दिया जाना चाहिए। यह एट्रोसिटी एक्ट बताता है। राहत और पुनर्वास का व्यवस्था तुरंत करना चाहिए। राहत और पुनर्वास की सुविधा की रिपोर्ट न्यायालय को भी भेज देना चाहिए। इतना काम होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का। क्या आपका इलाके में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एट्रोसिटी होने वाले लोगों को ये समस्त सुविधा दे रहा है? क्या आप प्रोटेक्शन आपको मिल रहा है? कवर ये मिलता है भारतवर्ष में पूरा। दबंगे लोग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का जमीन हड़प रहे हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का मां बहन को सरेआम सरेआम नंगा घुमा रहे हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का लोगों का मुंह में पेशाब कर रहे हैं। लेकिन ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जितने भी डीएम होते हैं, क्या ये इनको सुरक्षा दे रहे हैं? एट्रोसिटी एक्ट का अधिनियम 4 क के तहत लिखा गया है। ये सब कागज में लिखा गया है। इनको इंप्लीमेंट करने के लिए बहुजनों का शासन बहुत जरूरी है। इसलिए बहुजन समाज यूनाइटेड होके आपने बाबा साहेब अम्बेडकर को समझी है और अपना पॉलिटिकल स्ट्रेंथ को मजबूत कीजिए और भारतवर्ष में राजा की तरह डिग्निटी के साथ जीने के लिए कोशिश कीजिए। थैंक यू। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुजन समाज की एक ऐसी किताब, कहीं हम भूल ना जाएं, एक ऐसी ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको ऑडियो वीडियो देखने को मिलना है। ये पहली बहुजन समाज की ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आप वीडियो भी देख सकते हैं। अब किताब के अंदर कैसे वीडियो देख सकते हैं ये मैं आपको पहले दिखा दूं। आइए तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने करना ये काम है कि किसी भी पेज पर मोबाइल द्वारा आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाने के बाद आपको कैमरे का निशान नजर आता है। इस कैमरे पे आप क्लिक करेंगे तो ये QR कोड को स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये लिंक आ गया। आप जैसे ही लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो चालू हो जाएगी, यानी कि आपको एक सटीक जानकारी मिलने वाली है, एक ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है। बहुजन समाज की पहली ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको तमाम महापुरुषों की जानकारी मिलने वाली है। आप इस किताब में देख पाएंगे तथागत सम्यक बुद्ध, जिनकी पूरी जीवनी आपको मिलने वाली है, महान सम्राट अशोक, जिनका जीवनी आपको इसके अंदर पूरी मिलने वाली है, संत कबीरदास, संत शिरोमणि गुरु रविदास, सम्राट मीर भोज जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया, गुरु घासीदास बाबा, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी पासी, नागेली वीरांगना की कहानी, एकलव्य जिसका अंगूठा काट लिया था धोखे से, चोखा मेला हरिचंद ठाकुर, ज्ञानदीत छत्रपति शाहूजी महाराज, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, माता सावित्री बाई फूले, फातिमा शेख, ईवी रामास्वामी, स्वामी अछूतानंद, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अंबेडकर, जिनका मूल ग्रंथ आपको इसमें छोटी सी किताब में मिलने वाला है। आप ऑडियो भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। माता रमाबाई, मोतिया रावण कंगाली, सरदार उधम सिंह, ललई सिंह यादव, दशरथ मांझी, शिव दयाल सिंह चौरसिया, कपूरी ठाकुर, भवरी देवी, मान्यवर काशीराम साहब जिन्होंने इतिहास को दोबारा दोहराने का काम किया था, वीरांगना फूलन देवी, बहन कुमारी मायावती, संकल्प भूमि और पूना पैक्ट। बहुजन समाज का एक मूल ग्रंथ यह आपके पास आ गया है और आप इसको बिल्कुल भी देरी ना करें। तो साथियों, अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप नंबर देख रहे हैं इस नंबर पर आप हमें अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। कितनी किताब आपको चाहिए
यदि आप चाहते हैं कि यह किताब पूरे भारतवर्ष में घर घर नजर आए तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट हमारे सुझाव बॉक्स में जरूर दें और किताब को अपने घर पे मंगाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुँच सकें आप पे सबसे पहले।